बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल अगर इट इज़ हियर फॉर अ न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है ओरल विल। ओरल विल देखिए, ओरल विल बी एक्सेप्टेड मगर बट द ओरल विल मस्ट बी स्पेसिफिक, मस्ट बी क्लियर। ओरल विल मस्ट बी कंसिस्टेंस, मस्ट बी प्रेसिंग, मस्ट बी क्रेडिबल एंड मस्ट बी डेफिनेट होनी चाहिए, एम्बिगस होनी चाहिए और इन्फ्रेंस होनी चाहिए और इसके अलावा कंक्लूजन्स होनी चाहिए। यानी ऐसी अगर वसीयत है जो क्लियर है, जो वाजी है, जो प्रेसी है, जो स्पेसिफिक है, अगर ये सब चीजें ओरल तौर पर अगर दी जाती वसीयत तो भी वो वसीयत एक्सेप्टेड है, तो भी वो वसीयत जो है वो काबिल अमल है, तो भी वो वसीयत एज ए मुस्लिम ला वो मानी जाएगी। अब उसको ये और बात है, अगर देखे कोई रिटन विल है तो ऑफकोर्स उसके लिए प्रूफ मौजूद है, उसमें विटनेस मौजूद है, सब चीज मौजूद है, रिटन मौजूद है, तो उस सिलसिले में उसको उसको जो है प्रूफ करना वो बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर ऐसी विल है जो ओरल विल है, अब उसके प्रूफ जरा जरा मुश्किल होगा, वेरी हार्ड होगा, उसके लिए बहुत ही हैवी किस्म की हमें एविडेंस चाहिए और इसके अलावा अटमोस्ट प्रिसिशंस होनी चाहिए और इसके अलावा हर वाकयात को, एवरी सरकमस्टांसेस को वो देखना चाहिए कि जब वो ओरल विल दे रहा था उसके सरकमस्टांसेस क्या थे, क्या हालात थे, क्या वाकया था, किन हालात में उसने दिए और सराउंडिंग के हालात कैसे थे, क्या वो किसी उसमें था, फ्री विल में था या नहीं था, कोई क्वेश्चन तो नहीं था, कोई प्रेशर तो नहीं था, तो ये बहुत सी चीजें देखी जाएंगी। वक्त देखा जाएगा, प्लेस देखी जाएगी, सराउंडिंग के हालात वाकया देखे जाएंगे, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज देखी जाएगी कि उनका कंडक्ट कैसा था उस बंदे के साथ जो उसको ओरल विल कर रहा है, और इसके अलावा नेचर ऑफ नेचर देखेगी, रिलेशनशिप उसका कौन सा था, जो विल देने वाला है, जो टेस्टिटर है उसका रिलेशनशिप उसके साथ क्या था, और इसके अलावा उसकी क्या क्रेडिबिलिटी उसकी क्या है, और इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि उसने किस तरीके से उसको दी है और उसकी रेलिवेंट फैक्ट क्या थे जिसके बेस पर उसने वो ओरल विल दी है। ये सब चीजों को देने के लिए, सब चीजों को प्रूफ करने के लिए ऑफकोर्स ओरल विल चुके हैं, इसलिए ये सब चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा और सब चीजों को प्रूफ करना के लिए हमें विटनेस की जरूरत पड़ेगी, हमें गवाहों की जरूरत पड़ेगी। गवाहों के वो आके बयान देंगे कि किस वक्त, कौन से साल, किस दिन, किस वक्त, हालात क्या थे, वाकयात क्या था, सरकमस्टांसिस क्या थे, और उसके अलावा उसके पार्टी के साथ उसके कंडक्ट कैसे थे, बिहेवियर कैसे था, उसके रिलेशनशिप कैसे थे, ये सब चीज देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा थ्रू एविडेंस, थ्रू विटनेस किया जाएगा, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि ये एक्सेप्टेड ओरल विल है या नहीं है। उसके लिए रूलिंग भी है 2006 लाहौर है, पेज 2735। ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।